हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कमर दर्द का इलाज बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको भी कमर दर्द रहता है, आप कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको उठने बैठने में तकलीफ होती है, तो आपने क्या करना है, कमर दर्द को कैसे घर बैठे खुद ठीक कर सकते हैं, बस ऐसे जैसे नट कसते हैं उस तरीके से, या फिर जैसे पेन रगड़ा जाता है उस तरीके से, किस तरीके से आप इसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की रहने वाली है और ये आपके 5 मिनट बहुत ही वैल्यूएबल होंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो अंगूठा है और अंगूठे की ये साइड है, इसमें आपने ऐसे कोई पेन ले लेना है, नॉर्मल पेन, इस तरीके से आप इसको रगड़िए। आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरीके से रगड़ रही हूँ, स्लो करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने रगड़ना, यानी साइड वाला एरिया जो है वो हमने इस तरीके से रगड़ना है। ये रगड़ने का टाइमिंग कितनी होगी, सिर्फ आपने 30 से लेकर 50 सेकंड तक रगड़ना है। ऐसे रगड़ने से जो कमर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अगर रोजाना ऐसे ही रगड़ा जाए तो दबी हुई नस की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से हाथ को करना है, बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ आपने इस तरीके से इसे दबाना है। बाहर की तरफ ऐसे नहीं, अंगूठे की बाहर की तरफ नहीं बल्कि हाथ के अंदर की तरफ आपने ऐसे दबाना है। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत पावरफुल है। अगर आपके अभी कमर दर्द हो रहा है तो आप इस पॉइंट को अभी प्रेस करें, इस तरीके से इस एरिया में आपने प्रेस करना है। ये बहुत ही कमाल का है। दबाने की जो टाइमिंग रहेगी वो सेम रहेगी, यानी कि 30 से लेकर 50 सेकंड तक आप किसी भी पॉइंट को दबाइए। जब भी दबा रहे हैं सबको एक साथ दबाना है, यानी एक बार एक दबा लिया, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार तीसरा, लेकिन टाइमिंग इतनी ही रहेगी। अब मैंने आपको 2 पॉइंट बता चुकी हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरे पॉइंट को करने के लिए आपने जो ये हमारी मिडल फिंगर और हमारी जो रिंग फिंगर होती है, ये दोनों प्रेस करनी है। कैसे करनी है, इस तरीके से, बहुत आसान है ना। ये पेन के द्वारा आप इसे रगड़ सकते हैं इस तरीके से, उसके बाद अंदर की तरफ, फिर रिंग फिंगर को बाहर की तरफ इस तरीके से। ये भी दोनों साइडों में, पूरी साइड ये 30 से लेकर 50 सेकंड तक। अब मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 और 4, इस तरीके से मैंने आपको पॉइंट बता दिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सेम ही आपने दूसरे हाथ में भी प्रेस करना है, यानी कि इस अंगूठे के साइड में इस तरीके से आप करिए, 30 से लेकर 50 सेकंड तक कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मिडल फिंगर के साइड में, रिंग फिंगर के बाहर की तरफ इस तरीके से आपने रगड़ना है। आप इसे हाथ पे से भी रगड़ सकते हैं, पर हाथ से रगड़ने में थोड़ा सा जोर लगता है, दबाने में थोड़ा जोर लगता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों पैरों में भी सेम पॉइंट है, कहाँ प्रेस करना है, कैसे करना है, कितनी टाइमिंग होनी चाहिए, वो अब मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की रहने वाली है, तो 2 मिनट आपके और बचे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है, हमारी मिडल फिंगर और जो छोटी जो बीच की दोनों फिंगर्स हैं, ये इनको जैसे नट कसते हैं ना, वैसे आपने इस तरीके से नट कसने वाली पोजीशन में करना है, जैसे ऐसे इस तरीके से नट कसा जाता है ना, तो ऐसे सेम आपने दूसरे को, यानी कि नीचे जड़ वाली साइड में नट कसना है, ये समझ लीजिए। इस तरीके से आपने इसे प्रेस करना है। सेम आपने जैसे अंगूठे के साइड में किया था, तो यहाँ भी हमने अपने पैर के साइड में करना है सेम इस तरीके से। दर्द का एहसास होगा उतना टाइम आपने दर्द को सह लेना है। हाँ, आप जब पैर पे कर रहे हैं तो 1 मिनट तक कर सकते हैं, पैर में जो एरिया होता है थोड़ा हार्ड होता है, तो 1 मिनट तक करें, 50 सेकंड तक नहीं बल्कि 1 मिनट तक। सेम एक पॉइंट आपको मैंने दूसरा और तीसरा, यहाँ भी आपको मैंने 3 पॉइंट बता दिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट, जो कि चौथा पॉइंट है पैर के अंदर कमर दर्द को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। तो उसके लिए आप पैर को इस तरीके से देखिए, पैर को इस तरीके से देखेंगे तो हमारी जो लिटल
टो होता है और उसके साथ की जो रिंग टो होता है, तो इसको सीधा ले लीजिए और यहाँ थोड़ी सी उभरी हुई जगह होती है वहाँ आप दबाना है। आप चाहें तो पेन से रगड़ लीजिए, जैसे बेलन चलाते हैं वैसे कर लीजिए, है तो पेन ही लेकिन पोजीशन ऐसे कर लीजिए जैसे कोई बेलन चलाया जा रहा है। आपके यहाँ दर्द फील होगा, अगर आपको कमर दर्द रहता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट को प्रेस किया है। आप हाथ से दबा सकते हैं, इस तरीके से पेन से कर सकते हैं। करने का जगह कहाँ पर है, ये लिटल वाली और उसके साथ वाली सीधी ले लेनी है, उभरा हुआ पार्ट जहाँ पर आएगा वहाँ हमने प्रेस करना है। दोस्तों इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ, दो, तीन और चार, पांचवा और लास्ट पॉइंट जो कि लास्ट में ही आपने प्रेस करना है, पहले नहीं करना। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इस तरीके से जो हमारा ये एरिया होता है, एंकल एरिया होता है, एंकल एरिया पर इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, एंकल एरिया पर ये एक दो फिंगर छोड़ दीजिए, दो फिंगर छोड़कर एक लाइन समझ लीजिए एक, और यहाँ आपने ऐसे प्रेस करना है, बस यहाँ तक इतना ही प्रेस करना है, इससे ज़्यादा नहीं। वापस जाने दीजिए इस तरीके से। अब आप इसे पेन से भी कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे कि बेलन चलाया जाता है वैसे कर सकते हैं, इस तरीके से आपने प्रेस करना है। दोस्तों सेम का सेम ही आपने अपने दूसरे पैर में भी करना है, यानी कि ऐसे ही इधर वाला एरिया जो है वो उभरा हुआ पार्ट रहेगा, ये वाला ये पार्ट रहेगा, ये एरिया भी आपने प्रेस करना है। आपने बेलन की तरह प्रेस कर लेना है इसको, इस तरीके से नट की तरह कसना है इन दोनों फिंगर्स को जो बीच की होती है, ये जो बीच की है इनको करना है इस तरीके से जैसे नट कसा जाता है। दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये कमर दर्द को पूरी तरह से ठीक कर देंगे, दोनों पैरों में दोनों हाथों में सेम करना है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की है, अगर आपको पूरी तरह से समझ नहीं आई तो आप इसे थोड़ा सा स्लो करके सुन लीजिए। दोस्तों ये बहुत कमाल के पॉइंट है, रोजाना प्रेस करने पर पूरी तरह से कमर दर्द है, दबी नस की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या हो चुकी है, तो ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।